अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। समस्याओं के कारण अधिक से अधिक बच्चे भर्ती नहीं हो पाते हैं। कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि महिलाओं को रात में छूट दी जाए, क्योंकि महिलाएं रात में एनआरसी में नहीं रुक सकती हैं। नंबर 3, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दर यहाँ पे ज्ञापन देने पहुंचे थे, किस विषय पर ज्ञापन दिया और क्या आपकी मांग है? अभी हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। पूरे हमारे जो 7 संगठन हैं उन्होंने एक दिवसीय आज ही का दिन रखा था और आज ही प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। वैसे तो हमने पदोन्नति के लिए भी कहा है और नियमितीकरण के लिए हमारी मांगे हैं, और जब तक नियमित नहीं हो रहे तो हमें कम से कम न्यूनतम वेतन जो है 26,000 रुपये किया जाए। और स्थानीय हमारी मांग ये है कि 3 महीने का जो मानदेय हमें नहीं मिला है, 1 माह का अभी मिला है, बाकी सारे जिलों में मिल चुका है, तो वो वेतन हमें समय पर दिया जाए। और दूसरी स्थानीय हमारी समस्या एनआरसी की थी, जो हमने ज्ञापन में बताया ही है, और स्पेशली आज ये जो है विशेषकर प्रधानमंत्री के नाम ही ज्ञापन है। प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुनने की कृपा करें। आपका नाम और पद? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शर्मिला ठाकुर निवास मोती बंगला, संभाग उपाध्यक्ष भी हूँ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ।